शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है, मैं यहाँ पे हूँ न्यू जर्सी में। एक्चुअली आई डोंट लिव हेयर, आई लिव इन पोलैंड, आई लिव इन यूरोप। मैं अभी संडे को आया हूँ यहाँ पे, एंड बिकॉज ऑफ सम बिजनेस मीटिंग्स मंडे को मेरी आंटी ने मेरे को वहीं से पोलैंड से ही बोला, यार फर्स्ट इज़ गो टू द मंदिर, गुरुजी के मंदिर जाओ। एंड मंडे को मैंने सत्संग अटेंड करा है यहाँ पे, एंड आई एम बैक ऑन थर्सडे टू अटेंड द सत्संग बिकॉज सैटरडे की मेरी रिटर्न फ्लाइट है। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी स्ट्रेंज आई एम शेयरिंग, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम एक्चुअली शेयरिंग दैट हाउ आई गॉट कनेक्टेड एज अ गुरुजी के साथ, मैं कैसे हमारा कैसे कनेक्शन हुआ है। सो इट्स ऑलमोस्ट नाउ 9 years, सो मी एंड माई फैमिली इज़ कनेक्टेड टू गुरुजी। एंड हाउ दिस स्टार्ट्स इज इन 2015, माई मदर वॉज डायग्नोस्ड विद अ स्टेज 4 कैंसर। उस टाइम हमें शायद स्टेज 4 का मतलब भी नहीं पता था कि स्टेज 4 कैंसर होता क्या है। सो फाइनली वी गॉट टू द रियलिटी कि इट्स अ स्टेज 4 कैंसर, एंड शी गॉट स्टार्टेड हर ट्रीटमेंट इन वेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव, एंड ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। उस दौरान मेरे बड़ा एक स्कूल फ्रेंड है, उसने मेरे को कई बार बोला कि हिमांशु गुरुजी के मंदिर जा, आंटी को लेके जा। बहुत बार, एक बार, दो बार, चार बार उसने कई बार बोला, मैंने हमेशा इग्नोर किया। मैं नहीं, मैं बिलीव नहीं करता, और मैं मंदिर, मतलब उसने बोला और मैंने अनसुना कर दिया। एनीवे 6 months निकले, मैं मंदिर नहीं गया, एंड माई मदर्स कीमोथेरेपी स्टार्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम। एंड अचानक क्या होता है कि मेरे, एंड इट्स 1 साल हो चुका था तब तक ट्रीटमेंट कंटिन्यू होते हुए। सो 2015 के अंदर मेरी मदर की कीमो होती है जनवरी में वेदांता हॉस्पिटल में, एंड आई वॉज नॉट देयर, माई फादर वॉज देयर विद माई मदर। एंड उनको, उनके काफ़ी सिचुएशन ख़राब हो गई थी, तो मेरे फादर को अचानक वेदांता हॉस्पिटल में कोई आता है, उनको बोलता है कि अंकल आंटी की तबीयत बहुत ख़राब है, आप इनको ना मंदिर लेके जाओ, बड़े मंदिर। तो मेरे पापा ने कहा ओके ठीक है, मंदिर लेके, और मैं वहाँ नहीं था तो ठीक है मैं लेके जाऊँगा, बस बात ख़त्म हो गई। फिर मेरी मदर का कीमो चल रहा है वहाँ पे, तो 2 घंटे के बाद फिर एक और अंक कोई आता है वहाँ पे, और मेरे फादर को बोलते हैं आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, इनको मंदिर लेके जाओ। मेरे पापा कहते हैं ओके मैं लेके जाऊँगा। वो बाहर निकलते हैं, सेम टाइम पे 3 घंटे के बाद कीमोथेरेपी करा के, तो वेदांता हॉस्पिटल के गेट पे उनको कोई और मिलता है, और वो कहते हैं, आते हैं मेरी मदर व्हीलचेयर में है, और उनके हाथ में एक स्वरूप पकड़ा के जाते हैं कि ये गुरुजी हैं, आपको इनके मंदिर जाना है। सो दिस हैपेंड इन जस्ट बिटवीन 3 hours एट वेदांता हॉस्पिटल। अननोइंगली समबडी कम्स एंड गिव दैट स्वरूप जी टू माई स्वरूप टू माई मदर। माई मदर रीच इज़ होम, एंड मेरे को स्वरूप देती हैं कि अंशु, मतलब मेरा घर का नाम अंशु है, कि मेरे को ना यहाँ मंदिर जाना है। तो इमिडिएटली आई कनेक्ट कि ये वही स्वरूप है जो मेरा फ्रेंड मुझे पिछले 6 महीने से बोल रहा है मंदिर में जाने के लिए, एंड आई इग्नोर्ड हिम। सो मैं इमिडिएटली कॉल माई फ्रेंड कि यार ये तो मैसेज आया, क्योंकि आपके पास मैसेज आ गया, यू हैव टू गो, मतलब इससे ज़्यादा मैसेज नहीं हो सकता कि आपको एक ही दिन में वेदांता हॉस्पिटल में, जो कोई आपको जानता नहीं है, वो आपको आके बता के गया, और वो एक बार नहीं 3 बार बता के गया। सो दिस इज़ हाउ द मैसेज यू कम कि आपको मंदिर जाना है। बेटे का, मैं अपनी मदर को हॉस्पिटल लेके गया वहाँ पे, गुरुजी के बड़े मंदिर लेके गया, एंड मेरी मदर एक ही बार जा पाई, हम उनको मंदिर लेके गए, व्हील चेयर पर लेके गए, प्रसाद खिलाया, हम वहाँ से हमारा कनेक्शन स्टार्ट हुआ। एंड वी वेंट टू द मंदिर, मैंने, मेरी वाइफ ने, हम सब लोग मंदिर गए, मेरी मदर ने व्हील चेयर पर वहाँ पर प्रसाद खाया था फर्स्ट टाइम, मार्च, ये 2015 की बात है। एंड सो मी एंड माई वाइफ गॉट कनेक्टेड, वी स्टार्टेड अटेंडिंग द सत्संग इन गुड़गांव। हम गुड़गांव में हमने सत्संग अटेंड करने शुरू करे। उसके बाद मेरी मदर की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, हर ट्रीटमेंट वॉज गोइंग ऑन, बट शी कुड नॉट गो आफ्टर दैट। ड्यूरिंग दैट वन ऑफ दैट सत्संग इन गुड़गांव, किसी ने हमें सत्संग के टाइम पर एक बुक दी सत्संग में, गुरुजीज ग्रेस के नाम से एक बुक है जो हमें सत्संग में मिली मेरी वाइफ को, और मेरी वाइफ ने वो जो बुक है बिना कुछ मतलब पढ़े या कुछ भी, उस बुक को अपने पर्स में रख लिया, और हम सत्संग अटेंड करके वापस घर भी आ गए।
एंड दैट बुक रिमेन्ड इन माई वाइफ्स पर्स फॉर लाइक मैनी मंथ्स एंड वी डेंट इवन न्यू अबाउट दिस कि वो बुक हमारे पास है. माई मदर गॉट एडमिटेड इन टू अपोलो हॉस्पिटल इन दिल्ली इन जुलाई 2015 फॉर 14 डेज. 10 दिन मेरी मदर आई सी यू में है एंड शी डजेंट नो एनी थिंग लाइक टोटली गॉन एंड वी न्यू कि दिस इज द लास्ट विच हैज़ कम एंड सॉरी हमें पता था कि ये मेरी मदर का लास्ट आ चुका है. वहाँ पे अचानक से क्या होता है कि 10 दिन उनको कुछ होश नहीं है, कुछ नहीं पता हो क्या रहा है और बिल्कुल शी इज़ टोटल साइलेंट. एंड 11वें दिन उनके अंदर एक अचानक से पता नहीं क्या होता है, वो अचानक से उठती हैं और मेरे को बोलती हैं, मेरे को बुलाती हैं अपने पास. आई वॉज़ वेरी मच क्लोज टू माई मदर कि अंशु मेरे को तेरे से बात करनी है. मैं इमिडिएटली आई मैं उनसे बहुत धीरे से मतलब सुनाई भी नहीं दे रहा था. उन्होंने मुझे बहुत धीरे आवाज़ में ये बात बोली कि तेरे गुरु आए थे मेरे को लेने के लिए. सो हेयर कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तेरे गुरु आए थे मुझे लेने के लिए. मैंने उनको मना कर दिया और वो मुझे एक किताब देके गए थे, वो मुझे मिल नहीं रही है. सो मी एंड माई वाइफ वॉज ऑल्सो देयर, वी हैड अ गूज बम्प्स कि कौन सी किताब की बात कर रही हैं, क्योंकि मेरी मदर ने कभी कोई किताब नहीं देखी, वो एक ही बार मंदिर गई थी. एंड किस किताब के बारे में उन्होंने अभी मुँह से निकाला है, बात करी हमसे ये. सो इमीडिएटली आई आस्क माई वाइफ कि आप वो पर्स में जो बुक रखी हुई है वो आप लेके आओ, क्योंकि हम आईसीयू में थे तो वी कुड नॉट गेट द पर्स, इट वॉज डाउन स्टेयर. सो इमीडिएटली शी रश्ड एंड हम वहाँ से, मेरी वाइफ आई और मेरी वाइफ ने वो बुक निकाली तो मेरी मदर के अंदर इतनी एनर्जी थी, उन्होंने बुक मेरी वाइफ के हाथ से छीन ली, मतलब शी स्नैच्ड. और उसने उन्होंने मेरी मदर ने ये बोला कि ये तेरे पास कैसे आ गई, ये तो मेरी है, गुरुजी मुझे दे के गए हैं और ये मैंने पढ़ी हुई है, मुझे पता है इस बुक के बारे में. उन्होंने मेरे को, उनसे शायद किताब खुल भी नहीं रही थी, उन्होंने मुझे ये बोला कि अंशु इस किताब को खोल. और जैसे ही वो किताब का पन्ना खुला तो उसमें गुरुजी का ये वाला स्वरूप था जो बीच में सेंटर, और उन्होंने इसके सामने नमस्ते करी और मुझे ये बोला कि ये जो बुक है ये आप हिमांशु मेरे तकिए के नीचे रख दें. ये वहाँ पे हुआ है, ये अपोलो हॉस्पिटल का मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मेरे आँखों में सब कुछ घूम रहा है आज बहुत सालों के बाद. तो हमने किताब रखी, ये 13वें दिन का उन्होंने मुझसे बात करी और उन्होंने मुझे सिर्फ ये चीज़ वहाँ पे मैसेज ये किया कि तेरे गुरु आए थे, मैंने उनको मना करा है और ना वो मेरे को बोल के गए हैं कि तू ना सत्संग करता रही हो, छोटा बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटा सत्संग तू करता रही हो. मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल करेंगे. हमें तो उस टाइम सत्संग का मतलब भी नहीं पता था कि सत्संग कैसे करते हैं घर के अंदर. तो उन्होंने कहा नहीं सत्संग करता रही हो बस. ये 13वें दिन की बात है जो उन्होंने, मेरी मदर ने मुझसे बात करी विद दैट बुक अंडर हर पिलो एंड शी डाइड ऑन द 14th डे. सो दैट कनेक्शन ऑफ सत्संग हैपेंड फ्रॉम दैट डे. जो गुरुजी ने शायद उनको बुलवाया कि मुझे वो सत्संग करना है और आगे कंटिन्यूटी में करना है. सो सिंस दैट डे वी गॉट कनेक्शन. हमारा उसके बाद मतलब इसके आगे हमारे पास कुछ बचा ही नहीं कि आपके पास मैसेज कैसे आएगा. हम वहाँ से कनेक्ट हुए गुरुजी के साथ. अब इस बात को 9 साल हो गए ऑलमोस्ट और वहाँ से हम कंटिन्यूटी में सत्संग कर रहे हैं, मैं और मेरी वाइफ कर रहे हैं. एंड दिस इज़ हाउ वी गॉट द मैसेज एंड वी स्ट्रांगली फील कि गुरुजी आए थे लेके चले गए. माई मदर हैड अ पीसफुल डेथ आफ्टर वन ईयर 3 months ट्रीटमेंट. शी हैड अ वेरी पीसफुल डेथ एंड शी हैज़ गॉन टू अ गुरुजीज फीट की ब्लेसिंग्स उनको मिली और वो उनके. और आज भी वो जो बुक है वो हमारे मंदिर में है, ग्रंथ बन गई हमारे लिए, मेरे और मेरी वाइफ के लिए. हम आज भी हर रोज़ एवरी डे उस बुक के सामने दिया जलाते हैं, सुबह भी और शाम को भी जल प्रसाद रखते हैं अपने घर पे. डेली का ये रूटीन है, सुबह भी और शाम का भी. 9 साल हो गए हैं, इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस बुक को दोबारा खोल पाएँ. वो बुक हमने पढ़ ली, वो आज भी 9 साल से किताब जो है मेरे यहाँ पोलैंड वाले घर के अंदर हमारे पास रखी हुई है. सो दिस इज़ हाउ वी गॉट कनेक्टेड एंड दिस इज़ आई थिंक आई गॉट दैट ब्लेसिंग मी एंड माई वाइफ फ्रॉम गुरुजी कि आपको सत्संग करना है और वो मैसेज कन्वे हुआ मेरे पास. सो दिस इज़ वन ऑफ लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंसिडेंट विच चेंज्ड द कोर्स ऑफ द लाइफ
एंड हाउ वी गॉट डिसकनेक्ट, हाउ वी गॉट कनेक्टेड। मैं भी मंदिर जाता था, साईं बाबा के मंदिर हम सब जाते हैं, मंदिर हम गए हैं, बट जब हम गुरुजी से कनेक्शन हुए तो हमें लगा सब कुछ यहीं है, बड़ा अच्छा प्रसाद मिलता है, बहुत डिसिप्लिन है, तो और सब कुछ ख़त्म ही हो गया यहीं पे। सारा वन स्टॉप सॉल्यूशन जो हम बोलते हैं, यही एक वन स्टॉप है। कभी कोई स्ट्रेस होता है, कुछ है, यहीं पे आके ख़त्म हो जाता है वो। ऐसे ही हम लोग गुड़गांव में रहते हैं, गुड़गांव में रह रहे हैं, हम 7 साल गुड़गांव में रहे हैं। एंड आई वॉज टेलिंग दिस टू आंटी कि ये भी एक इंसिडेंट है कि कैसे गुरुजी ने मेरे ही हाथ से करवाया है वो। सो हम गुड़गांव में रह रहे हैं 7 साल से, एक वी आर लिविंग इन अ टावर इन गुड़गांव एंड वी लिव ऑन अ सेकेंड फ्लोर। एंड कुछ टाइम के बाद ड्यूरिंग कोविड वी शिफ्ट टू अ थर्ड फ्लोर, लाइक वी जस्ट शिफ्ट टू अ थर्ड फ्लोर इन अ बेटर हाउस। हम शिफ्ट करते हैं वहाँ पे और सामने वाले बिल्कुल घर में, मतलब वी अननोइंगली, ना उनको पता है कि हम गुरुजी की संगत हैं, ना ऊपर वाले किसी को पता है कि हम गुरुजी की संगत हैं, हम थर्ड फ्लोर पे शिफ्ट करते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं डे वन पे, सामने बिल्कुल राइट अपोजिट मंदिर बना हुआ है किसी और आंटी के घर, और शी गेट्स टू नो कि हम भी गुरुजी की संगत हैं। एंड इमीडिएटली दैट कनेक्शन हैपन्स इमीडिएटली। उन्होंने द सेम डे शी गेव मी वन ऑफ अ वेरी बिग स्वरूप, बहुत बड़े स्वरूप उन्होंने मुझे दिए कि हिमांशु मैं मतलब ये आपको दे रही हूँ, आप सेवा करो आप। मतलब इससे बड़ा क्या हो सकता है, ये तो मतलब हमारी बिलीव से ही बाहर है कि ये हो क्या रहा है। उन्होंने गुरुजी के चोले बनवा रखे थे, जैसे यहाँ पे चोले लगे हुए हैं, उन्होंने वो चोले हमें दिए और उन्होंने 50 लोगों की थालियाँ दी हमें, मेरे को ही दी हैं 50 लोगों की थालियाँ जो जिसमें हम प्रसाद खाते हैं, तो उन्होंने 50 की थालियाँ दी कि अब आप सेवा स्टार्ट करो। ये सामने जिनसे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल पहले ही दिन हुआ ये, तो इट हैपेंड एंड वी गॉट कनेक्टेड विद हर। एंड हमने उनसे लिया सारा, हमने आगे, हमने जब भी कभी हमारे घर में सत्संग हुआ फिर हमने वहीं थालियाँ यूज़ करी और हम चलता रहा हमारा। कोविड के टाइम पे जब 2021 के बाद हमारा पोलैंड शिफ्ट होने का, पोलैंड शिफ्ट करने की हम तैयारी कर रहे थे, सो शी कम्स एंड मीट मी एंड शी सेड कि हिमांशु कहीं जा रहे हो, मैं गया, हमने छोड़ दिया गुड़गांव, हम पोलैंड शिफ्ट कर रहे हैं। एंड शी गिव्स मी लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। शी वॉज जस्ट 44 ईयर ओल्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग फॉलोवर ऑफ गुरुजी, सिख परिवार से थी वो। थी मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि पहले दिन उन्होंने मेरे को आके बेस्ट ऑफ लक बोला कि आप पोलैंड शिफ्ट कर रहे हो, इट्स अ न्यू जर्नी स्टार्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। नेक्स्ट डे, द वेरी नेक्स्ट डे, शी हैड एन हार्ट अटैक इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock एंड शी डाइड। 44 ईयर ओल्ड, शी डाइड अननोइंगली। हमें कुछ नहीं पता कि हुआ क्या, क्योंकि पहले दिन हम रात को मिले और अगले दिन शी वॉज नो मोर एंड आई वॉज द ओनली पर्सन अलॉन्ग विद हर हस्बैंड टू डू हर लास्ट राइट्स। सो आई डिड विद माई ओन हैंड्स हर लास्ट राइट्स, बिकॉज उस टाइम कोविड खत्म हुआ था, नो बडी वॉन्टेड टू एक्चुअली यू नो वट ऑल हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम। सो आई वॉज द ओनली वन पर्सन अलॉन्ग विद हर हस्बैंड टू डू द लाइट्स लास्ट राइट्स फॉर हर। सो दैट इज़ हाउ द, शायद वो एक बड़ी बहन बन के चली गई और सब मेरे को दे के चली गई हाथ में कि, और आज भी जो वो स्वरूप है वो हमारे, मेरे पोलैंड वाले घर में लगा हुआ है, बहुत बड़ा स्वरूप है। हमें भी पोलैंड में आके लगा कि यार शायद लोगों को ये लगेगा कि ये क्या है ये यहाँ पे, और वहाँ से वो जो कनेक्शन है चल रहा है। एंड वी आर फॉर्चुनेट एनफ कि हम कनेक्टेड हैं। हम पोलैंड में बहुत मिस करते हैं क्योंकि पोलैंड में मंदिर नहीं है, वहाँ पे संगत भी नहीं है, और हम, मैं और मेरी वाइफ महीने में 1.5 महीने अपने घर पे सत्संग करते हैं, हम दोनों बैठ के सत्संग करते हैं, प्रसाद बनाते हैं, और खुद कोई भी स्ट्रेस होता है तो वहीं पे बैठ के अपना जो स्ट्रेस होता है वो रो भी लेते हैं, रोने से बहुत सारे स्ट्रेस ख़त्म हो जाते हैं। हम सारे फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं तो सबके अपने इमोशंस होते हैं, सबको अपनी फैमिली की याद आती है, तो वहीं पे बैठ के रो के और अपना सब निकाल लेते हैं स्ट्रेस, तो वो कंटिन्यूड है सारा। और आज जब मैं मंदिर आया हूँ तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि यार पोलैंड हो गया, मैं न्यूजर्सी शिफ्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं मंदिर नहीं छोड़ सकता अब, क्योंकि मैंने आज ही अपने, मेरा हेड ऑफिस एक्चुअली इज इन न्यूजर्सी, सो आई एम हेडिंग द ऑपरेशंस इन पोलैंड फॉर द सेम कंपनी। सो आई हैड अ वर्ड टुडे ओनली विद माय सीईओ दैट आई एम डन विद पोलैंड एंड आई वांट टू कम टू न्यूजर्सी, एंड ही सेड व्हाई, एंड आई सेड देयर इज सम कनेक्शन यू विल नॉट अंडरस्टैंड बट प्रोसेस हैज़ टू स्टार्ट कि आई हैव टू कम हेयर एंड गेट कनेक्टेड वंस अगेन बिकॉज वी कॉन्ट लिव विदाउट दिस विद दिस। यहाँ पर मुझे आके ऐसा लग रहा है कि सब कुछ यहाँ पर आके स्टार्ट भी यही है और फिनिश भी यही है। सो दिस इज हाउ
वी आर कनेक्टेड एज अ फैमिली, एज एन कनेक्शन टू गुरु जी. थैंक यू सो मच. जय गुरु जी. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय.